हेलो दोस्तों, एम आर सी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। ये आज का वीडियो जो है ये वी ए बी पे रिलेटेड है कि वी ए बी कैसे वर्क करता है, वी ए बी का क्या काम है। तो ये हम आपको एक डायरेक्ट सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखा रहे हैं वी ए बी का, और ये जो बॉक्स देख रहे हैं वो वी ए बी बॉक्स है, और इसका पूरा हम आपको डिटेल शेयर करेंगे कि क्या है, कैसे कैसे है, कैसे ये वर्क करता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड में वहाँ सेट टेम्परेचर जो है सेट पॉइंट किया हुआ है। और उस अब इसके बाद जब हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम फ़्लो दिया हुआ है, कितना परसेंट फ़्लो इसको कराने के लिए जो है सी एफ एम में, ये आपको देख रहे हैं 111, मतलब 111 जो है लीटर पर सेकेंड जो है करंट फ़्लो हो रहा है। ठीक है, वो जितना डिमांड रहेगा, जितना टेम्परेचर, अभी 18% जो है ये आपको ओपन दिखा रहा है, ये 100% ओपन नहीं है क्योंकि ये 22.5 रूम का टेम्परेचर है और हम लोग 22.5 जो है रूम का टेम्परेचर हमारा सेट पॉइंट भी किया हुआ है, तो ऑलमोस्ट जो है हमारा टेम्परेचर जो है वो मिल गया है। तो इसलिए जो है उसका जो है वी ए बी फुल डैम्पर जो है इसका 18% ही ओपन है, फुल ओपन पोजिशन में ये नहीं है। ठीक है, तो अभी हम आपको थ्योरी में दिखाते हैं आपको कि किस तरह से ये वर्क करता है, कैसे इसका फंक्शन है। तो ये आपने जो देख रही है, ये लाइव आपने देख रहा है, और ये दूसरा आप देखिए एच यू वगैरह का है, जैसे मान लीजिए 3 फ्लोर का है तो बिल्डिंग उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर देखिए ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, इस तरह से तो पूरा एच यू का भी डिटेल्स निकल जाएगा। तो ये हम वीडियो किसी और में दिखाएंगे, आज हम ओनली फॉर वी ए बी के ऊपर हम आप लोगों को बात करेंगे। व्हाट इज वी ए बी, वी ए बी क्या चीज है, वी ए बी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वी ए बी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वी ए बी का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल एयर वॉल्यूम। इसका फुल फॉर्म से ही मालूम चल रहा है कि एयर के वॉल्यूम को कंट्रोल करता है ये। ठीक है, ये एक एच वी ए सी का पार्ट है, और जो भी एच पी एस सी टेक्नीशियन है, चीरा टेक्नीशियन है या बी एम एस टेक्नीशियन है, तो उनको जो है वी ए बी के बारे में जो है नॉलेज होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वी ए बी जो है, ये हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे भी, और खास करके जो बी एम एस लाइन में है, जो बी एम एस से है उनको मालूम होना चाहिए, और एच पी एस सी टेक्नीशियन को भी मालूम होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कहीं पे वी ए बी खराब है तो आप जो है परेशान ना हो, आपको डायरेक्ट इन्फॉर्म करना है बी एम एस वाले को। ये बीएमएस और एचवीएसी दोनों एक ही डिपार्टमेंट में आते हैं, लेकिन दोनों का पार्ट अलग अलग है। ठीक है, बीएमएस का टेक्नीशियन, उसका ऑपरेटर अलग होता है और एचवीएसी डिपार्टमेंट अलग हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज ये जानेंगे कि ये वीएबी कैसे वर्क करता है, इसका कहाँ पे यूज किया जाता है, इसका क्या काम है। तो वीएबी जो है ये एचयू का जो सप्लाई एयर डक्ट होता है, सप्लाई एयर डक्ट में इसको इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक एचयू बना दिया है। ठीक है, ये एच यू आप लोगों को समझने के लिए, और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये सप्लाई एयर डक्ट है। ठीक है, ये मेन डक्ट है सप्लाई एयर का। उसके बाद यहाँ पे हमने 3 रूम लिया है। ठीक है, 3 ऑफिस है, और तीनों को एक छोटा छोटा ब्रांच निकाला है ये सप्लाई एयर का, यहाँ से एक डक्ट निकाल करके, एक छोटा ब्रांच निकाल करके, उसके साथ वी ए बी को इंस्टॉल करके, और हमने क्या किया इस रूम में फिटिंग कराया है। ये तीनों रूम में सेम प्रोसेस है, फिर बाद में उस रूम से एक रिटर्न एयर को लिया बाई डक्ट के जरिए, और उसको वापिस जो है हम लोग कहाँ पे ले आए, एचयू के अंदर, क्योंकि जो एचयू के अंदर जो हमारा एयर का सर्कुलेशन होता है वो रिटर्न एयर ही सर्कुलेट किया जाता है बाई, यहाँ पर अगर यूवी लैंप लगाए हुआ, अल्ट्रावायलेट रे लगाए हुआ, उसके जरिए पास करे, कहीं पे वो रहता नहीं रहता है। ये जो है हमारा फिल्टर सेक्शन है, ये जो है ये फिल्टर सेक्शन है, दूसरा यहाँ पे कहीं कहीं पे बैक फिल्टर, प्री फिल्टर दोनों देखने को मिलता है। ये जो है हमारा कूलिंग कॉइल है। ठीक है, ये जो हमारा चिल्ड वाटर का जो है, चिल्ड वाटर इन करेगा और एक आउट करेगा CHW। ठीक है, चिल्ड वाटर यहां से इन करेगा और चिल्ड वाटर आउट करेगा, तो इसका प्रोसेस अलग है। हम लोग मेन आज हम बात करेंगे वीएबी के ऊपर कि वीएबी क्या काम है। बाद में एचयू के अंदर जो है रिटर्न एयर आता है, उसके साथ हम लोग फ्रेश एयर, इधर जो है फ्रेश FA, फ्रेश एयर को भी हम लोग जो है इन कराते हैं, कहीं कहीं पे इन होता है, कहीं कहीं पे नहीं भी इन होता है। तो ये हो गया प्रेशर का, ये सब कुछ आपने समझ गया। अब हम लोग जानेंगे कि वीएबी वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। तो वीएबी में सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट्स जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। वीएबी एक बॉक्स रहता है, बॉक्स का जैसा रहता है वो अपना सफाई एयर डक्ट में जो है उसको इंस्टॉल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये मेन डक्ट किया, ये इधर से आया, ये वीएबी एक बॉक्स है। ठीक है, ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, उसके बाद एक्चुएटर कंट्रोलर रहता है, यहाँ पे एक्चुएटर कंट्रोलर लगा हुआ रहता है, और उसके अंदर साफ रहता है, मोटर रहता है, और ये थर्मोस्टेट से कंट्रोल होता है। जैसे कि यहाँ रूम है, ये रूम का यहाँ पे थर्मोस्टेट, ठीक है, थर्मोस्टेट से कंट्रोल होता है। अगर मान लीजिए हम लोग इसको 24 डिग्री टेम्परेचर पर सेट पॉइंट किया, ठीक है,
तो ये क्या है 24 डिग्री टेम्परेचर आने के बाद जो है ये अपना डेम्पर को क्लोज पोजिशन में करता है। ठीक है, इसमें एक हमने छोड़ दिया डेम्पर, डेम्पर डेम्पर भी होता है जो ये वाला जो प्लेट देख रहे हैं ना, ये वाला प्लेट डेम्पर हो गया। तो अभी वीएवी लगाने का फायदा क्या है, अभी एक एचयू जो है, अभी एक एचयू से मान लीजिए 10 रूम में फिटिंग किया, 10 रूम में जो है एयर को भेजा जा रहा है। अभी यहाँ पर हमने 3 रूम का ड्रॉइंग लिया है, 3 ऑफिस लिया है, बट जो है अगर एक एचयू है, बड़ा एचयू है, तो 10 रूम में भेजा जा रहा है एक एचयू से। तो अगर हम लोग ओनली फॉर एचयू को कंट्रोल करते हैं, मान लीजिए इसको 10 डिग्री टेम्परेचर पर सेट करके, सप्लाई टेम्परेचर सेट करके एयर देते हैं, तो सभी एरिया में क्या, सभी रूम में कितना जाएगा, 10 डिग्री 15 डिग्री जो भी है, एक टेम्परेचर शो ऑफ करेगा, सभी लोकेशन में क्या करेगा कि एक ही टेम्परेचर जाएगा। लेकिन यहाँ पे 10 रूम में 10 आदमी का रिक्वायरमेंट अलग अलग है, किसी रूम, किसी आदमी को चाहिए 24 डिग्री चाहिए, किसी को ज्यादा ठंडा लग, गर्मी लग रहा है तो उसको क्या करते हैं 20 डिग्री चाहिए, किसी को 25 चाहिए, किसी रूम में आदमी नहीं है। तो अभी क्या होगा कि अभी हमको वीएवी लगाने से वो फायदा है कि हम लोग जो है हर रूम का टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, जहां पे भी वीएवी रहेगा वहां पे थर्मोस्टेट भी उसके साथ लगाया हुआ रहेगा। ठीक है, तो अभी ये काम कैसे करता है वीएवी, और उसके साथ हम साथ साथ हम जो है आपको वीएफडी का भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे कि जहां पे भी वीएवी लगाया रहेगा वहां पे जो उसका मोटर रहेगा एसी का, वो वीएफडी से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तभी जाकर के उसका वीएवी लगाने का फायदा है। और बाकी चीजें वीएवी लगाने का भी बहुत बड़ा फायदा है, वीएफडी वगैरह वो एनर्जी को सेविंग करता है वीएचयू। अभी देखिए हम आपको बताते हैं आगे कैसे काम करेगा। ये हमारा वीएवी हो गया, वीएवी 24 डिग्री टेम्परेचर आने, रूम का टेम्परेचर आने के बाद क्या करेगा, ये इसका कंट्रोलर को कमांड जाएगा इसके जरिए, सेंसर के जरिए, कि ये 24 जो है रूम का टेम्परेचर आ गया, अब जो है इसको ज्यादा ठंडा नहीं चाहिए क्योंकि 24 में ही सेट किया, उसको 24 ही चाहिए। तो अब क्या करेगा, ये डेम्पर को इसके अंदर प्लेट के जैसा सीट मेटल बॉक्स रहता है उसके अंदर जो है ये सीधा सीधा ये क्लोज करेगा, ये अभी नाउ दिस टाइम क्लोज पोजिशन। क्योंकि बाद में क्या होगा कि ये जो है अगर फुल ओपन करेगा तो क्या करेगा, इस तरह से ये ओपन पोजीशन में हो जाएगा। ये मान लीजिए इस साइड से इन कर, सॉरी इधर यहाँ पे है ना, ये जो हम लोग लगाए हैं ये अभी फुल क्लोज पोजीशन में नहीं है, अभी इधर अगर प्लेट ऐसा जाएगा तो ये फुल क्लोज पोजीशन में हो जाएगा। ये ऐसा ओपन किया तो मतलब एयर का फ्लो जा रहा है, इधर से इधर पास हो रहा है, तो इसका ये काम है। बाद में ये क्या करेगा, टेम्परेचर आने के बाद जो है इसको क्लोज पोजीशन में कर देगा। ठीक है, अभी ये क्लोज हो गया, इस रूम का भी टेम्परेचर आ गया, इस रूम का भी टेम्परेचर आ गया, मान लीजिए 2 रूम में टेम्परेचर नहीं आया है, 2 रूम में जा रहा है। ये हमारा जो है एग्जाम्पल 6, ये CFM पर डिजाइन किया रहता है, 600 CFM का हम एचयू लगाए और 200 200 200 इसके तीनों को हमने डिवाइड कर दिया कि 200 200 का जो है एयर फ्लो देना है। अभी क्या होगा कि 200 200 अगर ये क्लोज पोजिशन हो गया तो ओनली 200 का फ्लो चाहिए, ये एग्जाम्पल लिए हैं, ये ज्यादा CFM का होता है। तो अब हमें कितना सिर्फ चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमको 200 का एयर चाहिए, CFM का ये फ्लो चाहिए। तो अभी इसके अंदर क्या होगा, ये यहाँ बंद हो जाएगा, यहाँ बंद हो जाएगा, तो क्या होगा इसके अंदर डक्ट के अंदर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, डक्ट के अंदर जो है प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या है, डक्ट को फाड़ सकता है। तो वहां पे क्या करता है, हमारा स्टैटिक प्रेशर सेंसर जो है सेंस करता है, डक्ट के प्रेशर को सेंस करता है, बैक प्रेशर जैसे ही बढ़ता है तो वहां से सेंसर वो सेंस करके इंटीग्रेटेड सिस्टम को करके DDC के जरिए टोटल कंट्रोल होता है, और उसके बाद वो VFD को कमांड आता है कि जो है एयर का जो है क्वांटिटी कम चाहिए, और VFD जो है अपना स्पीड को क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को जो है कम करता है। फ्रीक्वेंसी को कम करने से क्या, मोटर का स्पीड जो कम हो जाता है तो उस एम्पियर जो ले रहा होगा वो एम्पियर भी कम हो जाएगा, तो हमारा वो एनर्जी सेविंग होगा और ये जो है एयर का फ्लो कम कर देगा, और जितना हमको जरूरत है उतना ही एयर का फ्लो होगा। और ये भी जो है कभी भी जो है 100% क्लोज नहीं होता है, 10-15% जो है ये ओपन रहता है। ठीक है, वो एयर थोड़ा थोड़ा सर्कुलेशन रूम के अंदर होते रहता है, फिर जैसे ही रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है ये फिर इसको कमांड मिलता है, उसके अकॉर्डिंग जो है फिर ये डेम्पर को ओपन करने लगता है। तो इस तरह से काम करता है ये 24 वोल्ट एसी में जो है ऑपरेट अपना होता है, वीएवी एक्चुएटर जो है इसको उतना में ऑपरेट कराया जाता है। तो ये तो अभी हमने आपको थ्योरेटिकल यहाँ पे समझाने के लिए बता दिया कि आपको इजी समझ में आ जाए, वीडियो लंबा हो सकता है। दूसरा हम साथ साथ आपको प्रैक्टिकल किसी लोकेशन का दिखाते हैं BMS का, कि कैसे वर्क करता है, क्या उसका फंक्शन है, वो BMS का भी हम आपको डिजाइन दिखाते हैं। तो ये हमने, ये हमारा मेन है VAB का,
काम करने का तरीका। वीएबी जो है इस तरह से काम करता है। वीएबी जो है ये भी दो तरह के होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक दूसरा होता है डिपेंडेंट। ये जो वीएबी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है ये डिपेंडेंट है, मतलब कि ये प्रेशर के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। और दूसरा जो इंडिपेंडेंट रहता है उसमें क्या होता है कि वीएबी का पीछे में जो है अपना ये यहाँ पर डैम्पर एक रहता है, एक ओपन हो जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए रूम का टेम्परेचर आ गया ना, रूम का टेम्परेचर आने के बाद क्या होगा, यहाँ से जो है एयर रिमूव हो जाएगा, एयर रिमूव होकर के रिटर्न एयर में एड हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे वीएफडी का कोई रोल नहीं हो जाता है, वीएफडी जो है डायरेक्टली सेम स्पीड में चलता रहता है। अगर उसको हम लोग 40% या 50% अगर स्पीड में वीएफडी को अगर सेट पॉइंट कर दिए हैं तो 50% ही मोटर को रन कराएगा, उतना सेम स्पीड में चलते रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है प्रेशर बन नहीं रहा है ना, डट के अंदर प्रेशर कोल सेंसर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट ये किया है, यहाँ पे एयर निकल जा रहा है और जब एयर का जरूरत होगा तो फिर ओपन करेगा, फिर एयर जो है उसके अंदर जाने लगेगा, ये क्लोज होएगा तो एयर बाहर निकल जाएगा। तो दो तरह के वीएबी आपको देखने को मिलेगा, ज्यादातर जो वीएबी है आपको डिपेंडेंट मिलेगा, जो फिर आपको जो है वीएफडी उसके अकॉर्डिंग जो है वर्क करता है। तो यही था वीएबी बताने का हमको मकसद, आप लोग आई होप कि समझ में आ गया होगा बहुत सारा कुछ। जो भी डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं इसमें, क्या आप लोग ये चाहिए। अभी हम प्रैक्टिकल आप लोग इसमें थोड़ा ऐड करके दिखा देते हैं क्या है, कैसे वर्क करता है।